जय गुरु। चलिए आज पूजनीय अविंदा का कुछ मुख निश्रुत वाणी या उनके जाजन के ऊपर कुछ आलोचना करेंगे। अविंदा बोले थे कि आप लोग मुझे पसंद करते या ना करते, लेकिन मैं आप लोग को प्यार करता हूँ, क्योंकि आप लोग ठाकुर जी को खूब प्यार करते हैं, इसलिए मैं भी आप लोग को खूब प्यार करता हूँ। आपण मैंने मत भल पातु बा न भी पातु, मु आपण मानू भल पाए, कारण आपण मैने ठाकुर को खूब भल पाती, तेणु मु आपण मान को खूब भल पाए। और एक दिन की बात है, एक इष्टप्राण गुरु भाई के साथ देवघर में पूजन अविंदा बातें कर रहे थे। उस टाइम वो गुरु भाई बोले कि आश्रम में चारों तरफ सीसी कैमरा लगा हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है, कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है वो सब पता चल जाएगा। पूजनीय अविंदा सीसीटीवी के तरफ उंगली करके बोले हैं, ये जो कैमरा लगा हुआ है इसको मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रत्येक के मानुष के शरीर में जो सेल है उसके अंदर मैं कैमरा सेटिंग किया हूँ, मैं यहाँ बैठ के सब जान पाता हूँ या मेरा मुझे पता चल जाता है, कौन क्या सोचते हैं कौन क्या करते हैं वो सब मैं जान लेता हूँ। और एक गुरु माँ पूजनीय अविंदा के बारे में जो उनके साथ कैसे दिव्य अनुभूति हुआ था उसके बारे में आलोचना करते हैं। थारे जड़े झील देवघर आश्रम को आसी था, सागर आनी था पूजनीय अविंदा एक प्रति छवि को अंकन करी प्रातः विनती कर आचार्य देवं दर्शन पाई जाई था, सागर किंतु पूजनीय अविंदा फटोटी को नहीं न से झीटी भाविले सका तो आचार्य देव और पूजनीय बाबाई देव दर्शन हुए, संध्या प्रार्थना पर अविंदा दर्शन हो सही समय फटोटी नहीं देवी, किंतु आचार्य देवं दर्शन सारी फेरिया समय बाटर पूजनीय अविंदा को भेटी से कही मु आपणपर एक फटो आंकी आनी रूम्रे रखिदे आध्या समय प्रार्थना करने को आसवा समय नहीं आसबि। कथा शुणी पूजनीय अविंदा कहले फटोटी गोटे आखि बंका उंका जा मो पाक कौन आण झीटी से कथा शुणी व्यतीव्यस्त हो रूम को दौड़गले एवं फटोटी को आनी देखिले प्रकृतरे अंका होता फटोटी गोटे आखि बंका थिला। से अंतर्जामी आउ गोटे दिन घटना हो जड़े इष्टप्राण भाई सहित देवघरे पूजनीय अविंदा सहित ठिया हो कथा समय से भाई जड़े पूजनीय अविंदा को कहले आश्रम चारिआड़े सीसी कैमेरा लग जा बहुत भल है क्योंठी कौन हो सब जाणी हो। पूजनीय अविंदा से सीसी कैमेरा आड़ को उंगली निर्देश करी कहले ये जो कैमेरा लगी विश्वास करेनी, प्रत्येक मनीष शरीर थिवा प्रत्येक कोष व सेल भितर मु कैमेरा सेटिंग करी मुठी बस सब जापे, तेणु आम मैंने प्रति प्रत्येक कौन करुछंती कौन भावुछंती एवं समस्त जिनस विषय से जापारे। एक बार एक गुरुमा देवघर आश्रम गए थे, साथ में पूजनीय अविंदा का एक प्रतिछवि ड्राइंग करके लेके गए थे। प्रातः विनती के बाद आचार्य देव का दर्शन के लिए गए थे, लेकिन साथ में पूजनीय अविंदा का फोटो लेके नहीं गए थे। वो सोचे थे कि सुबह आचार्य देव और पूजनीय बाबाई देव का दर्शन कर लेंगे और शाम को प्रार्थना के बाद अविंदा का दर्शन करेंगे और उसी टाइम उनको फोटो दे देंगे। लेकिन आचार्य देव की दर्शन के बाद वापस की रास्ता में पूजनीय अविंदा के साथ उनका मुलाकात होती है और वो बोले थे कि आपके लेके मैं एक पेंटिंग किया हूँ और उसको मैं रूम में रखा हुआ है, शाम के टाइम में लेके आ जाऊँगा। उनके बात सुन के पूजनीय अविंदा बोले
खटो का एक आंख तो टेढ़ा हुआ है, तो और क्या आप मेरे पास लेके आएंगे। तो उनके बात सुन के वो गुरु माँ जाके रूम में देखे, और जब ध्यान से देखे तो सही में उनका एक आंख टेढ़ा हुआ था या थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ था। जय गुरु।